लोग खुश हो जाएंगे। तब उन्होंने सुरभि का भी अनुगत में उन्होंने आए थे। अरे यही पर उन्होंने गोद्रुम, गो मतलब होता है गादी, ध्रुव मतलब होता है यहाँ पर एक विशाल वटवृक्ष था, यहीं पर बैठ गए। तो उन्होंने भजन किया तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु का रूप में दर्शन दिए। बोले यहीं पर मैं कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आऊंगा और विश्व ब्रह्मांड का कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। और ये अभिनव नंद ग्राम है, श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं पर आकर के जैसे नंदगांव में घर घर में जाकर के कृष्ण मक्खन चोरी करते थे, यहाँ पर कृष्ण, यहाँ पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जैसे गैया चराया करते थे नंदगांव में, तेल कदम पे बंसुरी बजाए करके बुलाते थे, यहीं पर आकर के महाप्रभु संपूर्ण उसी भाव में वो विभावित हो जाते थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर प्रार्थना करें, जैसे इंद्र का सारे अपराध दूर हो गया था, यहाँ पर आने पर हमारे जो साधन नजर में जो अपराध है, सारे अपराध हमारे दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रणाम करते हैं, यहाँ चरण धूल लेकर के अभी अंग्रेजी में होगी, इसको बाद में फिर हम दूसरे जगह ले जाएंगे।